हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट, हीट एंड मास ट्रांसफर। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हीट। व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हीट क्या होती है? एज यू नो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस और द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है? तो हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, सो देर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम T1 टू T2 इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर हमारा T1 क्या है, T2 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा हमेशा क्या होगा कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी T1 से T2, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज द हीट। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज यू नो। ओके, सो व्हाट इज हीट? हीट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? दैट मीन्स इट हैज अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर, ठीक है? तो लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शन में हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी, ठीक है? तो हीट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ अ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है? तो नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा जिधर, ठीक है, उस डायरेक्शन में इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है? सो इट विल ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर एज यू नो, ठीक है? उसके बाद आता है द साइंस विच डील्स विद द रेट्स ऑफ सच एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज द हीट ट्रांसफर। ओके, तो वो साइंस जिसमें हम डील करते हैं रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के बारे में, दैट मीन्स वेन वी कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड और किलो जूल पर मिनट, ठीक है, then we will science is known as the heat transfer. Okay, now we will discuss what is the thermal energy. Okay, so thermal energy is associated with the translational, rotational, vibrational, electronic state of atoms and molecules that comprise matter. It represents the cumulative effect of microscopic activity and it is directly linked to the temperature of the matter. ठीक है, तो जो आपकी थर्मल एनर्जी होती है बेसिकली वो एसोसिएटेड होती है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती है, ठीक है? दैट मीन्स जो आपकी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड होती है आपकी थर्मल एनर्जी। और जैसे आप किसी भी बॉडी में या अगर किसी भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल एक्टिविटी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एक्टिविटी विल इंक्रीज एंड दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द टेम्परेचर। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, और एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जब आपका इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ये सारे जो मोशन है हमारे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है? एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द थर्मल एनर्जी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडाइनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफर, ठीक है? कि थर्मोडाइनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है? तो थर्मोडाइनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में बेसिकली क्या डिफरेंस है? देखिए, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है थर्मोडाइनेमिक और हीट ट्रांसफर में वो ये है कि थर्मोडाइनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ हीट एंड वर्क ट्रांसफर एंड इट गिव्स नो इंडिकेशन अबाउट द रेट। जो थर्मोडाइनेमिक्स में है वहां पे हम रेट की बात नहीं करते, वहां पे हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एनर्जी, टोटल एनर्जी लाइक क्यू इज इक्वल टू 150 किलो जूल, ठीक है? वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द रेट इन द थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हम रेट की बात नहीं करते, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की बात नहीं करते हैं, ठीक है? बट इन द हीट ट्रांसफर वी विल डिटरमाइन द रेट, ठीक है? हम हीट ट्रांसफर में क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं रेट बाय विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्म टू और फ्रॉम अ सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कितनी एनर्जी हमारी पर सेकेंड या पर मिनट हमारे ट्रांसफर हो रही है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, हीट ट्रांसफर में डिस्कस करते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज द साइंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर एंड
precludes the existence of temperature gradient. ठीक है, तो in the thermodynamics generally we deal with the equilibrium state of matter. हम equilibrium state की बात करते हैं in the thermodynamics, but in the heat transfer, as you know, the temperature gradient must exist and such heat transfer is a not equilibrium process. ठीक है, तो heat transfer में जैसा कि आप जानते हो कि एक जगह का temperature अलग होगा, दूसरी जगह का temperature अलग होगा, तो ही हमारा heat transfer जो है वो हो सकता है. ठीक है, तो heat transfer is a non-equilibrium process, but in the thermodynamics we generally deal with the equilibrium processes. Okay, now the thermodynamics does not provide any information on the nature of interaction and the time rate at which the interaction occurs. Okay, तो thermodynamics में हम लोगों को इस बात का पता नहीं चलता कि nature of interaction कैसा है. Nature of interaction, that means the mode of heat transfer क्या है. ठीक है, हमारे बेसिकली तीन तरह के मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के. वन इज द कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन. तो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट जो हीट ट्रांसफर होता है वहां पे हम इट विल हेल्प टू प्रिडिक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द रीजन ऑफ द मैटर. यहाँ पे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर मैटर के विद इन द रेंज. ठीक है, एज वेल एज इट विल ऑल्सो डिस्कस द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. यहाँ पे हम मोड की भी बात करते हैं कि जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है. ठीक है, आइदर इट इज कंडक्शन और इट इज कन्वेक्शन और इट इज रेडिएशन. ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कूलिंग ऑफ हॉट स्टील बार इन द वाटर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. ओके, but if we want to find the temperature distribution within this particular steel bar, अगर ये steel bar के इसमें हम अगर temperature का distribution निकालना चाहते हैं कि यहाँ क्या temperature है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो उस case में ये case में आएगा this will come under the heat transfer. Okay, so now you have understand the concept of thermodynamics as well as the heat transfer, what is the difference between these two concepts. Okay, these two science, what is the difference between these two science, what is the thermodynamics as well as what is the heat transfer. Okay, now come to the why we learn the heat transfer. Okay, so heat transfer basically hamara bahut jagah pe use hota hai, bahut sari application hai jahan pe hum heat transfer ko use karte hain. Jaise sabse pehla aap dekh sakte ho yahan pe aapke paas ek refrigerator hota hai. Theek hai, refrigerator sabke ghar mein hota hai. Ab refrigerator ka kaam kya hota hai ki is jo andar hamara compartment hai इसमें एक डिजायर टेम्परेचर मेंटेन करना. ठीक है, और इस डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर एंड इट शुड बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग. ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सराउंडिंग को रिजेक्ट होनी चाहिए. कुछ अमाउंट हीट यहां से एक्सट्रैक्ट करते और उसको हम क्या करते हैं, बाहर कुछ जो है रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो डिजायर टेम्परेचर है वो हमारा ये जो हमारा कैबिनेट है इसमें मेंटेन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारा डिजायर टेम्परेचर मेंटेन होता है वो हम हीट जो रिजेक्ट करते हैं दैट हीट इज रिजेक्टेड थ्रू द कंडेंसर. ठीक है, सो बाय द हीट ट्रांसफर यू कैन कैलकुलेट दैट व्हाट कैपेसिटी कंडेंसर यू विल रिक्वायर. ठीक है, कि किस कैपेसिटी का आपको कंडेंसर चाहिए होगा या जो ट्यूब की लेंथ है कंडेंसर की वो कितनी होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस कैलकुलेशन विल बी डन थ्रू द हीट ट्रांसफर. ठीक है, सेकेंड वन इज द कार रेडिएटर. एज यू नो द कार इंजन नीड्स टू बी कूल्ड. ठीक है, जो कार का इंजन होता है वो गर्म हो जाता है. ठीक है, तो उसको बार बार कूल करने की हमें जरूरत पड़ती है और उसके लिए हम वाटर का यूज करते हैं. तो उसमें एक रेडिएटर होता है, आपको पता है. तो रेडिएटर में क्या करते हैं, हम कूलिंग जो वाटर है हमारा इंजन को जो कूल करके आ रहा है, ठीक है, उसको हम रेडिएटर में डाल देते हैं. ठीक है, वो जो हॉट वाटर होता है दैट गोज टू द रेडिएटर. ठीक है, और रेडिएटर से वो वाटर फिर क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे कूल होकर के बाहर निकलता है. ठीक है, तो जो रेडिएटर है वो हमारा किस कैपेसिटी का होना चाहिए कि जो हमारा वाटर हम जो यूज कर रहे हैं इंजन की कूलिंग के लिए वो बार बार हमारा कूल होता रहे. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज इन फॉर कैलकुलेटिंग द नेट हीट कैपेसिटी ऑफ दिस कार रेडिएटर और द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ दिस कार रेडिएटर वी विल नीड द हीट ट्रांसफर. ओके, सिमिलरली इन द पावर प्लांट द फॉर बाय बर्निंग द फ्यूल एज यू नो सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड. ठीक है, एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट एज वेल एज मेनी अदर कंपोनेंट एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ मेनी अदर कंपोनेंट इन द पावर प्लांट वी विल ऑल्सो नीड द हीट ट्रांसफर. ठीक है, सिमिलरली इन द टर्बोजेट इंजन वाट अमाउंट ऑफ हीट शुड बी रिजेक्टेड इन द सराउंडिंग फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस टर्बोजेट इंजन दैट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाई द
हीट ट्रांसफर, वो भी हम हीट ट्रांसफर से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंजन। जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी इंजन को काम करने के लिए उसको कूल करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस ऑटोमोबाइल इंजन टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग एवरी मिनट और एवरी सेकेंड, ठीक है। एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सर्किट बोर्ड्स। जैसा कि सर्किट बोर्ड्स का मैं आपको एग्जांपल यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास लैपटॉप होता है, लैपटॉप में बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, आईसीज होती है, और उन आईसीज में क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, ठीक है। एंड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर लैपटॉप दिस हीट शुड बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। वो जो हीट है वो सराउंडिंग को रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जो आपका लैपटॉप होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक फैन लगा होता है और फैन के थ्रू उस हीट को जो है हम सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका मोबाइल फोन होता है उसमें भी हम लोग जो हीट वो है रिजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है, ठीक है, जिसमें भी ICs लगी है, तो द सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, ठीक है। एंड दिस कैलकुलेशन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट शुड बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग सो दैट दिस सर्किट बोर्ड वर्क्स फाइन, ठीक है, वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं हीट ट्रांसफर। ओके, सो अदर देन दिस देर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे अदर एप्लीकेशंस के बारे में भी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देर आर बेसिकली थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज द कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन जो बेसिकली होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो बेसिकली आपका होता है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन, रेडिएशन अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कोई भी मैटर है अगर आप उसको हीट करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते हैं, ठीक है, फोटोन के फॉर्म में, और वो आपके पास पहुंचते हैं और उससे आपको जो है हीट फील होती है, ठीक है। तो ये तीन मोड्स है हमारे हीट ट्रांसफर को, वी विल डिस्कस ऑल थ्री मोड्स इन द डिटेल लेटर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी एनर्जी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो रही है तो वो आपकी क्या है, कंडक्शन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गैस फ्लेम है, गैस फ्लेम में हमने ये पैन रखा हुआ है, ठीक है। जब आप इस पैन को हीट करते हो तो ये पैन के जो मॉलिक्यूल हैं उसके कांटेक्ट में वो जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हीट होने के वजह से जो हमारा ये जो पैन है उसका हैंडल क्या है, वो हीट हो जाता है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर है दिस इज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड दिस इज नोन एज द कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो अगर आप इसी पैन में वाटर रख दें और नीचे से फ्लेम से आप उस वाटर को गर्म करते हैं तो जो आपका बॉटम में वाटर है, ठीक है, जो कि इस सरफेस के पैन के जो बॉटम सरफेस है उसके कांटेक्ट में है, वो वाटर आपका धीरे धीरे हीटअप होता है। और वाटर जो हीटअप होता है वो वाटर आपका ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर है वो आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल टू द लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्शन, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। व्हेन यू विल बर्न सम हियर, ठीक है, अगर आप कोई लकड़ी यहाँ पे जलाते हो तो लकड़ी जलाने के बाद आपको एक हीट फील होती है, ठीक है। वो तो जो हीट फील होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि जब आप इसको जलाते हो तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं और फोटोन्स के थ्रू वो आपके पास रीच करते हैं, ठीक है, थीके? और उसकी वजह से जो आपको हीट है वो फील होती है। सो थर्ड इज द रेडिएशन विच अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और इसके लिए किसी भी मोड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, अगर यहाँ पे एयर भी ना हो तो भी ये आपके पास इजीली रीच कर जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू रीच दिस फोटोन, ठीक है। तो वैक्यूम में सबसे अच्छा रेडिएशन हमारा काम करता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन होता है दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ओके। तो ये हमारे तीन तरीके के हमारे जो हीट ट्रांसफर के मोड है वो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में आपको मैंने दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पे हमने एक कोई लकड़ी है उसको हमने जलाया हुआ है, ठीक है, वी आर बर्निंग सम वुड हियर, ठीक है। और अगर आप उसको हाथ को यहाँ पे ऊपर रखते हो तो आपको हीट फील होती है, ठीक है। तो ये हीट जो आपको फील हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जो हीटेड एयर है
वो आपके हाथ के कांटेक्ट में आ रही है, एंड दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन, वो आपका कन्वेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टील की रॉड लेते हो, ठीक है, अगर स्टील की रॉड को आप यहाँ पे कांटेक्ट में रखते हो, तो धीरे धीरे ये जो स्टील की रॉड है वो आपकी गर्म हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको हीट फील होता है, दैट इज द कंडक्शन, ये आपका क्या है, कंडक्शन है, ठीक है। सिमिलरली लेकिन अगर आप इस वुड से थोड़ा दूर भी बैठे हो तब भी आपको हीट फील होती है, ठीक है, तो वो जो हीट फील होती है दैट इज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं या जो फोटॉन्स होते हैं उसके थ्रू आपको हीट फील होती है, दैट इज द रेडिएशन, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर एज यू नो, ठीक है। नाउ यू विल सी हियर योर डायग्राम, ठीक है। कंडक्शन थ्रू अ सॉलिड स्टेशनरी फ्लूइड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सॉलिड स्टेशनरी फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, जिसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे T1 है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर T2 है, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, सो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस साइड टू द दिस साइड, ठीक है। सो कंडक्शन इज अ हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड और स्टेशनरी फ्लूइड, गैस और लिक्विड ड्यू टू द रैंडम मोशन इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एटम मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा कंडक्शन है वो काम करता है, किस तरीके से हमारा कन्वेक्शन काम करता है, ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दीज ऑल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा आपका कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन फ्रॉम अ सरफेस टू द मूविंग फ्लूइड। जैसे मान लो कि ये कोई आपका सरफेस है जिसको आपने TS टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, और बाहर आपका जो फ्लूइड है, लेट अस अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लूइड इज T∞, ठीक है। तो जब ये फ्लूइड आपका इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, जब इसके ऊपर आप ये फ्लूइड आपका फ्लो करेगा, देन इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस इज हायर देन दिस फ्लूइड, देन द हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस फ्लूइड, ठीक है। तो जो आपका हीट है वो इस सरफेस से इस फ्लूइड को फ्लो करेगा, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द कन्वेक्शन, ये आपका क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। सिमिलरली इफ दिस टी इंफिनिटिव इज हायर, अगर ये ज्यादा है और TS कम है, तो आपका फ्लूइड से जो है वो सरफेस पे ट्रांसफर होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेक्शन, ठीक है। नाउ द रेडिएशन, द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू सर्फेसेज, अगर दो सर्फेसेज है, एक को हमने T1 टेम्परेचर पे रखा हुआ है, दूसरे को हमने T2 टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों के बीच जो है वो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा बाय द रेडिएशन, ठीक है। सो हीट ट्रांसफर ड्यू टू का कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ बल्क एंड रैंडम मोशन ऑफ फ्लूइड फ्लो ओवर द सर्फेस इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। रेडिएशन इज द एनर्जी दैट इज एमिटेड बाय मैटर ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन और इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटोन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटोन के उस रूप में वो जो है ट्रांसफर होती है हमारी जो एनर्जी है वो रेडिएशन। सो फॉर द कंडक्शन बेसिकली वी विल रिक्वायर अ मीडियम, कंडक्शन के लिए हमेशा हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो कंडक्शन रिफर्स टू द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर that will occur across a medium which may be a solid, fluid or due to the temperature difference, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, solid हो सकता है, कोई fluid हो सकता है, ठीक है, या direct contact हो सकता है, ठीक है। तो conduction के लिए आपको basically एक medium की जरूरत पड़ती है, ठीक है। Convection क्या होता है, convection refers to the thermal energy transfer between a surface and the moving fluid, कोई भी surface और moving fluid है, when they are in different temperature levels, जो कि different temperature levels पे है, तो उनके बीच जो energy का transfer होगा that is known as the convection, ठीक है। Now come to the thermal radiation. The thermal radiation refers to the net heat transfer of thermal energy between two surfaces at different temperature levels in the absence of intervening medium. इसके लिए कोई medium की जरूरत नहीं पड़ती है, जो thermal radiation होता है उसके लिए, अगर आपका कोई भी medium नहीं है तो भी आपकी जो heat है वो आपकी transfer हो सकती है through the radiation. जो sun की heat है वो earth तक जो आती है, that is also a radiation. Okay. So now come to the heat conduction. सो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वन पार्टिकल ऑफ मैटर टू द अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर और अनदर इन एन ऑब्जेक्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के विदाउट मूवमेंट के ये जो हमारी एनर्जी है ट्रांसफर होती है, तो कंडक्शन में बेसिकली इसको हम कहते हैं कि एक तरह का कॉन्टेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। सो द मेन प्रोसेस बाय विच द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफ द सॉलिड टू अनदर ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है। कंडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन द मटेरियल मीडियम, तो कंडक्शन के लिए बेसिकली आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो होना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म बिहाइंड द हीट कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कंडक्शन होता है, ठीक है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो ये होता है हमारा माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और दूसरा होता है
मॉलिकुलर वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। सो बेसिकली जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी मैटर की या किसी भी हमारे सॉलिड की, ठीक है, या लिक्विड की या गैस की, कोई भी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय द के, उसको हम के से डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इज द हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, जो सॉरी इट इज द हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी है, तो उसकी जो हीट फ्लोइंग कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली जो कंडक्शन होता है उसमें हमारा जो हीट जो हमारी ट्रांसफर होती है दैट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइदर ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द मॉलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का की टर्म आती है दैट इज के ई, और जो हमारी मॉलिकुलर वाइब्रेशन के कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी की टर्म आती है दैट इज के एल, ठीक है। सो द फाइनल थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इफेक्ट ऑफ दीज टू, के ई प्लस के एल, ठीक है, वेयर के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो हमारा के ई होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ आवर मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा अगर मेटल की हम बात करें तो मेटल में जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है दैट इज ड्यू टू द के ई प्लस के एल, ठीक है, दैट मीन्स द हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बाय द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए, व्हेन हीटेड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर एंड डिफ्यूज इनटू द कूलर पार्ट्स ऑफ द मेटल। तो जब आप हीट करते हो किसी भी मेटल को तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि हीटेड होने के बाद वो मूव करते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं कोल्डर पार्ट्स ऑफ द मेटल, ठीक है, और कोल्डर पार्ट्स ऑफ मेटल में डिफ्यूज हो जाते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज देन ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स बाय द कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांसफर हो जाती है बाय द कॉलिजन, ठीक है, तो ड्यू टू विच द हीट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या है हमारा जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है। तो मेटल कंटेन्स मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि ये बस मेटल में होते हैं, ठीक है, सो दैट्स वाई द हीट ट्रांसफर रेट इन द मेटल इज फास्टर, ठीक है। तो जो अगर आपका कोई भी मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और लैटिस वाइब्रेशन भी होगा, एंड बाई दिस टू वे द एनर्जी इज ट्रांसफर हीट इज ट्रांसफर, ठीक है, इन द सॉलिड, ठीक है। तो अगर मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दैट मीन्स दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ हीट ट्रांसफर एंड दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ जनरली 30% ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द मेटल। अगर मेटल है हमारा तो उसमें इस तरीके से जो हीट ट्रांसफर है वो होता है, ठीक है। सेकेंड वाज इज द थर्मल कंडक्शन बाय लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल व्हेन अ मेटल स्ट्रिप इज हीटेड एट वन एंड, अगर आप एक एंड पे इसको हीट करते हो देन द पार्टिकल विद इन द लैटिस स्ट्रक्चर स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दीज वाइब्रेशन मेक द एडजेसेंट पार्टिकल टू वाइब्रेट एंड सो ऑन एंड टिल द वाइब्रेशन आर पास्ट टू द अदर एंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि मान लीजिए ये हमारे एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की लेयर है और एक दूसरी मॉलिक्यूल की लेयर है और एक तीसरी मॉलिक्यूल की लेयर है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हीट करना स्टार्ट करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन देयर इज अ कॉलिजन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वो इसको ट्रांसफर होती है, देन इट ट्रांसफर एंड दीज मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और इसके बाद ये एनर्जी इसको ट्रांसफर होती है, और इस तरीके से जो आपका लैटिस वाइब्रेशन है उसमें जो एनर्जी है वो लेयर बाय लेयर आपकी ट्रांसफर होती रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने हीटिंग करी है और हीटिंग करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स थे इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे इसने अपनी एनर्जी कुछ इसको ट्रांसफर कर दी। तो बाय दिस वे द एनर्जी और द हीट ट्रांसफर्ड इन द सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो सॉलिड बॉडी में बेसिकली आपके दो तरीके से जो हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है वो होता है, बेसिकली वन इज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। तो जो लेकिन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है दैट जनरली अकर्स इन द मेटल ओनली, ठीक है। तो लैटिस वाइब्रेशन आर डिस्क्राइब्ड एज द वाइब्रेशन दैट वाइब्रेशन एनर्जी दैट अराइजेस फ्रॉम ऑसिलेटिंग एटम विद इन द लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। एज यू नो दस अ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल हैज हीट कंडक्शन ओनली बाय द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो मेटल में तो हमारे दोनों होते हैं, दैट मीन्स इन द मेटल देर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड देर इज अ लैटिस वाइब्रेशन, बट इन द इंसुलेटिंग मटेरियल
द कंपोनेंट, अगर मैं वैसे बात करूं एक इंसुलेटिंग मटेरियल की, अगर मैं बात करता हूं तो इंसुलेटिंग मटेरियल में के ई प्लस के एल, तो इसमें ये जो होता है के ई दैट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है अगर कोई, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो द मेनली एनर्जी ट्रांसफर इन द इंसुलेटिंग मटेरियल इज बाय द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू ही हमारा जो एनर्जी है या हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, किसमें, कोई भी हमारी सॉलिड बॉडी होती है या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है. दे आर सिंगल मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल विच इज मेनली यूज टू मिनिमाइज द हीट फ्लो रेट टू और फ्रॉम द सिस्टम. सो बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, टू मिनिमाइज द हीट फ्लो रेट, ठीक है, हीट फ्लो रेट को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस डायग्राम के थ्रू कि जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर है या हीट ट्रांसफर जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैस में किस तरीके से होता है. तो जैसा मैंने डिस्कस कर लिया है पहले, ऑलरेडी बता दिया आपको कि सॉलिड में जो हमारा ट्रांसफर होता है हीट का, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच एग्जिस्ट ओनली इन द मेटल्स, ठीक है, जनरली ये मेटल्स में ही होते हैं, ठीक है, और विच द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, एज यू नो द लैटिस वाइब्रेशन इज इन बोथ एनी टाइप ऑफ सॉलिड इट मे एग्जिस्ट, ठीक है, तो लैटिस हर के कोई भी सॉलिड होगा उसमें लैटिस होगा, सो लैटिस वाइब्रेशन जो है वो हमारा हर सॉलिड में होता है, ठीक है, तो बाय दिस वे द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन द सॉलिड, ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है या हीट ट्रांसफर जो होता है दैट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉलिजन की वजह से होता है, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है, जो आपस में मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद जो एनर्जी है वो आपस में ट्रांसफर करते हैं, बाय दिस वे द हीट इज ट्रांसफर्ड इन द लिक्विड, लिक्विड में हीट इस तरीके से ट्रांसफर्ड होती है. और गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में भी मॉलिक्यूलर कॉलिजन होता है और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा हीट है वो ट्रांसफर होता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. इन द सॉलिड देर आर टू वे, ठीक है, फर्स्ट वन इज द लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, सेकेंड वन इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इन द लिक्विड देर इज अ मॉलिक्यूलर कॉलिजन एंड द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन. इन द गैसेज देर इज अ मॉलिक्यूलर कॉलिजन एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, बट इन गैसेज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज हायर. ओके, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब सबसे ज्यादा जो हीट कंडक्टिविटी होगी वो हमारे जनरली सॉलिड्स की होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे लिक्विड्स होते हैं और उसके बाद हमारे गैस होते हैं, ठीक है. सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ठीक है. तो सम मटेरियल विच कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स, मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट वेल एज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, जो कि हमारे हीट को बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं या जो बहुत बेटर तरीके से हीट कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. एंड यूजुअली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं. क्यों होते हैं मेटल गुड कंडक्टर्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मेटल्स में हमारे दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, द के ई, ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द के एल, द थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन. दीज बोथ कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द मेटल, दैट्स वाई द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, तो मटेरियल्स दैट रजिस्ट द हीट ट्रांसफर, मटेरियल दैट रजिस्ट द हीट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू them is called insulators. जो material heat transfer को resist करते हैं उनको insulators बोलते हैं. They are the poor conductors of heat. Some examples are air, wood, water, polystyrene, styrofoam, wool, fiber, glass, paper, plastic. ये सारे जो होते हैं these are material which resist the transfer of heat and these are known as insulators. ठीक है, तो insulators में मैंने already बता दिया कि जो KE वाला component होता है ये हमारा exist नहीं करता है insulators में. जो insulators में जो energy transfer होता है this is generally due to the lattice vibration. ठीक है, only. Okay. So, अब यहाँ पे आपके पास एक question है, इसको हम लोग देखते हैं. Why does the metal feels colder than wood? If they both are at the same temperature, generally आप क्या करते हो, जब आप स्टील की रॉड को टच करते हो और एक वुड की रॉड को आप टच करते हो तो आपको जो स्टील की रॉड है वो थोड़ी ठंडी फील होती है एज कम्पेयर टू द वुड की जो रॉड है उससे. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका स्टील की रॉड है दिस इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जब आप इसको अपने हैंड में टच करते हो तो ये क्या करता है कि हीट आपके जो हैंड है, ठीक है, उससे क्या करता है कि ये कंडक्ट करता है. ठीक है,
तो हीट जो है आपके हैंड से वो टेक अवे करता है, क्या करता है आपके हैंड से जो है हीट को कैरी करता है, ठीक है, और हीट लॉस होती है आपके हैंड से, तो इसीलिए आपको ये ठंडा फील होता है। बट जो वुड है दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, ये हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है एंड दैट डज नॉट कंडक्ट हीट थ्रू योर हैंड, ठीक है, तो आपके जो हैंड है उससे कोई भी हीट लॉस नहीं होता है, दैट्स वाई यू फील वार्मर, ठीक है। तो इसीलिए कि जब आपका एक स्टील की रॉड है और जो आपका वुड की रॉड है, अगर आप दोनों को टच करते हो तो आपको जो स्टील की रॉड है वो आपको ठंडी फील होती है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो स्टील की रॉड है दैट विल कंडक्ट हीट थ्रू योर हैंड एंड ही सम हीट विल बी लॉस इन द सराउंडिंग थ्रू दिस मेटल रॉड और स्टील रॉड, ठीक है। बट इन द वुड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, सो दैट्स व्हाई द वुड फील्स लाइक वार्मर, ठीक है। तो इसलिए वुड जो है हमारा वार्मर फील होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय कंडक्शन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट को बाय कंडक्शन को इनेबल करती है दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्टिविटी, तो उसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सम एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, आपको कंडक्टर्स के एप्लीकेशन बताने हैं, इंसुलेटर्स के एप्लीकेशन बताने हैं इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। व्हाई द कॉपर इज, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई द कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, ठीक है, कि कॉपर आपका बेटर कंडक्टर क्यों होता है वुड से, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द व्हाई इंसुलेटर कंडक्ट हीट एट द स्लोअर रेट, ठीक है, इंसुलेटर्स आपके स्लोअर रेट में हीट क्यों कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए।